हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया को प्रूफ कर दिया कि आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कैरोली टैकस की। 1938 में कैरोली टैकस हंगरी के नेशनल चैंपियन रह चुके थे। हंगरी में होने वाले हर तरीके के पिस्टल शूटिंग में उन्होंने उनकी महारत हासिल थी और उन्होंने हर इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका था। उनका यह परफॉर्मेंस देख के हंगरी की जनता ये श्योर थी कि 1940 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में टैकस ही जो है वो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं। कैरोली टैकस का यह सपना तब चूर चूर हो गया जब एक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान हैंड ग्रेनेड उनके ही हाथ में बर्स्ट हो गया और उनके शरीर से उनका सबसे स्ट्रांग हैंड राइट हैंड जुदा हो गया। इस हादसे ने पूरे हंगरी को हिला के रख दिया कि अब जो है टैकस ओलंपिक नहीं जीत पाएंगे। सब ने उम्मीद छोड़ के हार मान ली थी, लेकिन एक टैकस ही थे जिन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने सीक्रेटली 12 महीने तक अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया था अपने लेफ्ट हैंड से। जी हाँ, अपने सबसे वीक हैंड लेफ्ट हैंड को उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया था पिस्टल शूटिंग के लिए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1940 और 1944 के ओलंपिक्स कैंसिल कर दिए गए वर्ल्ड वॉर टू की वजह से। फिर भी कैरोली ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपनी ट्रेनिंग लगातार करते रहे, अपने लेफ्ट हैंड को ट्रेन करते रहे और फिर वो मोमेंट आया। उन्होंने 1948 और 1952 में गोल्ड मेडल हासिल किया पिस्टल शूटिंग में। कैरोली ने ओलंपिक्स में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे वो उनके देहांत के 28 साल बाद टूटे। कैरोली की इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हारने वालों के पास लाख बहाने होते हैं, पर जीतने वालों के लिए जीतने के लिए एक ही वजह काफ़ी होती है।